قلبٍ بالحق تألق وبغار فراق تألق يبكي يسأل خالقه فأتيك البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد. सो हेलो दोस्तों, माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आप ऐसे होंगे. माशाल्लाह दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही है कि शिहाब भाई का जो भी मुबारक सफर है वो सऊदी अरब से जारी है और शिहाब भाई दोस्तों सऊदी अरब से सफर रवाना करते हुए अपने मदीना शरीफ के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. शिहाब भाई की दोस्तों आज जो मदीना शरीफ से टोटल दूरी है वो कितनी बाकी रह गई है और शिहाब भाई दोस्तों कितने दिनों के अंदर ही अपने मदीना शरीफ में एंटर हो जाएंगे. शिहाब भाई की दोस्तों जो आज का सफर है वो किस जगह से हो रहा है, शिहाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह कितने दूरी पर रुके हुए हैं, सब लोग सब जानकारी है टू जेड आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है. तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और माशाल्लाह शिहाब भाई का आज तक का लाइव लोकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें. मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजलो करम रहा और आपकी पैर दुआएं भी रही, आप लोगों ने शिहाब भाई के हवाले से बहुत ज्यादा दुआएं करी है और शिहाब भाई का जो मुबारक सफर है दोस्तों वाल जाहिर से बहुत ज्यादा आगे हो चुका है. शिहाब भाई को आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में सफर रवाना करते हुए 22 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं और शिहाब भाई दोस्तों अल्लाह के फजलो करम से और आपकी पैर दुआओं के साथ इन 22 दिनों में माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा सफर को रवाना करा है. शिहाब भाई के दोस्तों इन जो 22 दिनों में सऊदी अरब का सफर हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह 800 से 900 किलोमीटर का हो चुका है और अल्लाह के फजल करम से शिहाब भाई के जो दोस्तों मदीना शरीफ की टोटल दूरी है वो कितनी है और शिहाब भाई मदीना शरीफ में कब तक पहुंच जाएंगे उसके हवाले से मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि शिहाब भाई अभी अपने मदीना शरीफ से 100 से 150 किलोमीटर से कम की दूरी पर रुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई दोस्तों ये 100 से 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो बहुत जल्दी रवाना करके अपने मदीना शरीफ में एंटर हो जाएंगे. शिहाब भाई दोस्तों खुद कहा है कि शिहाब भाई मदीना शरीफ में पहुंचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 दिन वहां की ज्यारत करेंगे और मदीना शरीफ में ज्यारत करने के बाद दोस्तों शिहाब भाई का जो अगला सफर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हज मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाएगा. शिहाब भाई का दोस्तों जो ड्रीम था, जो सपना था, अब वो बहुत जल्दी मुकम्मल होने वाला है. शिहाब भाई के दोस्तों इस सफर में बहुत ज्यादा मुश्किल आई, शिहाब भाई ने बहुत ज्यादा सामना करा मुश्किलों का और अल्लाह के फजल करम से आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका दोस्तों शिहाब भाई को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. और माशाल्लाह दोस्तों शिहाब भाई की अब जो अपने हज मुकर्रमा से टोटल दूरी बाकी है वो 500 से 550 किलोमीटर की बाकी रह गई है और शिहाब भाई दोस्तों इन 500 से 550 किलोमीटर की जो दूरी है वो बहुत ही जल्द से जल्द रवाना कर लेंगे. फिर शिहाब भाई के दोस्तों हज मुकर्रमा का टोटल सफर है वो मुकम्मल हो जाएगा और शिहाब भाई का दोस्तों जो 2023 में हज है वो भी हो जाएगा. शिहाब भाई के पास दोस्तों अभी ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, शिहाब भाई के पास दोस्तों 1 से 1.5 महीना बाकी है, तो बस आप अल्लाह से दुआएं करें कि शिहाब भाई का दोस्तों ये बचा हुआ सफर है जल्दी से जल्द मुकम्मल हो जाए और शिहाब भाई का जो 2023 का हज है वो जल्दी से जल्द कम्प्लीट हो जाए. शिहाब भाई दोस्तों जैसे ही अपने 2023 के हज में पहुंचेंगे तो शिहाब भाई का जो दोस्तों सपना जो ड्रीम है वो मुकम्मल हो जाएगा और शिहाब भाई इंशाल्लाह दोस्तों सारी उम्मत के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करेंगे क्योंकि दोस्तों सब लोगों ने मिलकर शिहाब भाई के हवाले से बहुत ज्यादा पैर दुआएं करी हैं क्योंकि दोस्तों शिहाब भाई के सफर में बहुत ही मुश्किलें आई थी तो आप लोगों ने शिहाब भाई के हवाले से पैर दुआएं करी, तो आप लोग ऐसे ही दुआएं करते रहे क्योंकि दोस्तों शिहाब भाई का अभी जो सफर हो रहा है वो सऊदी अरब में हो रहा है और सऊदी अरब में दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसलिए शिहाब भाई का सफर है वो आसान तरीके से हो. अल्लाह शिहाब भाई के सफर को आसानी से 2023 के हज में पहुंचा दे. शिहाब भाई को अब कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो और शिहाब भाई बहुत जल्द दोस्तों अलजाई से निकलकर अपने मदीना शरीफ में एंटर होने वाले हैं. तो बस दोस्तों आप लोगों के लिए पैर दुआएं करें, हम आप लोगों को शिहाब भाई का 2023 तक का पूरा पक्का सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे इसलिए दोस्तों आप लोग कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं. जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें. मिलते हैं शिहाब भाई के अगले बिग अपडेट के साथ.